आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। ऑफेंसेस है वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, भारत वर्ष में मुसलमानों की बर्थ रेट कितनी है, बताइए आप मेरे को। आपको, आपसे सवाल करता हूँ, विचार, अपना विचार दीजिए कितनी है। नहीं पता होगा, कारण है, मैं बताता हूँ कारण क्या है। कारण क्या है कि आने ही नहीं देते सामने। हम बताते हैं कितनी है, मुझे इनकी बर्थ रेट कितनी है। इनकी 8.2 बर्थ रेट है जी, मतलब। और हिंदुओं की बर्थ रेट कितनी है, 1.2। एक औसत मुसलमान, 35 साल का औसत मुसलमान भारत वर्ष में 8 बच्चे पैदा करता है। और उसके घर में ना, उसके अपने रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो वो 8 बच्चे क्यों पैदा कर रहा है? प्रशासन को सवाल किससे पूछना चाहिए? उस आदमी से, कि भाई तू 8 बच्चे पैदा क्यों कर रहा है? हम बताते हैं जवाब भी क्या है। जवाब क्या है, जब आप 8 बच्चे पैदा करोगे ना, तो क्या करोगे आप, थोड़े दिन में ना, कई कुछ सालों के अंदर भारतवर्ष की डेमोग्राफी को चेंज कर दोगे। डेमोग्राफी क्या होती है, जिस जगह पे जिसकी ज्यादा वोट होगी उसी का नेता चुना जाएगा। अब जब इनके 8 बच्चे होंगे तो वो 8 वोट बैंक हो गए। अब जितना ज्यादा वोट बैंक होगा उतने ज्यादा सीएम बनेंगे, उतने ज्यादा पार्षद बनेंगे, उतने ज्यादा एमएलएज बनेंगे। यार फिर उसके बाद आप पीएम बना लोगे, तो फिर जब पीएम बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा उसके बाद। पाकिस्तान की तरह 25% 1947 में थे, 1% रह गए। भारतवर्ष में पहले 95% थे, हम 80% पे आ गए। 50 साल बाद हम 50% हो जाएंगे। और ये तो जी आधिकारिक है, ये तो जो इतिहास पढ़ता है वो सब जानता है। जिस देश की आधिकारिक तौर पे जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या 35% से ऊपर हो गए ना, वो देश मात्र 20 साल के अंदर पूरा मुसलमान हो गया। आपको एग्जाम्पल चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ईरान का इतिहास पढ़िए। ईरान पर्शियन कंट्री था, वहाँ पारसी लोग रहा करते। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, टाइम ले लूँ थोड़ा सा? पर्शियन देश था, भाइयों भाई भी सुन लेंगे, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जरूरी है जानकारी। ईरान पर्शिया देश था, पर्शिया बोला करते, वहाँ पर्शियन लोग रहा करते, जैसे हिंदू है ना यहाँ पे आज, वैसे वहाँ पर्शियन लोग रहा करते। ये वहाँ पे गए, इन्होंने क्या किया, 4 शादियाँ करी, 4 शादियों से 20 बच्चे पैदा करे। अब कुछ टाइम में जब एक समाज 20 बच्चे पैदा कर रहा है और एक समाज 2 बच्चे पैदा कर रहा है, तो किसकी जनसंख्या बढ़ेगी, जो 20 कर रहा है। तो इन्होंने 15 साल के अंदर ईरान की डेमोग्राफी चेंज कर दी। वहाँ जो पर्शियन पहले मेजॉरिटी में थे, वो 15 साल के अंदर वहाँ माइनॉरिटी में आ गए। ठीक है, वो माइनॉरिटी में आए तो वो पूरा देश आज मुसलमानों का है। इराक में क्या हुआ था, 17 साल के अंदर इराक में कौन रहा करता है, ईरान में रहा करते जोरोएस्ट्रियंस। एक हिंदू की तरह एक पहले सिविलाइजेशन हुआ करती, मेसोपोटामिया बाबलियन सिविलाइजेशन उसको बोला करते। इराक के अंदर और इजिप्ट के अंदर वही लोग रहा करते। ये वहां पे गए, इन्होंने वहां भी यही फॉर्मूला लगाया, 4 शादी 50 बच्चे, और उसके बाद नेता अपना, उसके बाद देश अपना। अब इसी सीक्वेंस में इन्होंने ईरान को पहले, फिर इराक को, फिर इजिप्ट को, फिर आप मिस्र का इतिहास पढ़िए, आप जॉर्डन का इतिहास पढ़िए, आप इंडोनेशिया का इतिहास पढ़िए, आप थाईलैंड का इतिहास पढ़िए, आप मलेशिया का इतिहास पढ़िए, आप कौन से 57 मुल्क बना लिए इन्होंने, जाए कि एक भी मुल्क में नहीं थे। प्रशासन को किससे सवाल करना चाहिए, भारत की सरकार को और वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है उसको किससे सवाल करना चाहिए, कि भाई तुम किसको भगा भगा के अपनी कंट्री बनाए जा रहे हो? अब इनका एजेंडा भारत में चल रहा है, भारत में हिंदुओं को क्या दिखाया जाता है, उस पर रेलवे स्टेशन पर लिखा रहेगा बड़ा बड़ा पैम्पलेट, हम दो, हमारे दो, हिंदुओं ने 2 बच्चे पैदा शुरू कर दिए। आप मुझे एक बात बताओ, 70 साल से जो सरकार भारत की राजनीति में थी, अगर उसको पॉपुलेशन की इतनी चिंता थी तो उन्होंने फिर कानून क्यों नहीं बनाया? आपने पैम्पलेट लगा दिए, हम दो, हमारे दो, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि नहीं, उन्हें पता है कि हिंदू मान जाएगा, पागल है, मीडिया में रहता है, टीवी देखता रहता है सारे दिन, चद्दर ओढ़ के एसी चला के, और लड़ता है नहीं, सो जाता है। अब क्या कानून बनानी तो भारत की स्थिति क्या हुई, भारत में 1947 में जनसंख्या कितनी थी, 1947 में जनसंख्या कितनी थी, 34 करोड़ जनसंख्या थी। भारत में 2 करोड़ मुसलमान थे, 32 करोड़ थे बाकी सब, हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई सारे थे। अब 70 साल के बाद क्या हुआ, हम दो, हमारे दो करने से क्या हुआ वो बता रहा हूँ। भारत में जनसंख्या हुई 96 करोड़, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी हुई, 96 करोड़, हिंदू 32 से 96 करोड़ हुआ, मतलब कितना गुना बढ़ा, 3 गुना। मुसलमान कितने थे, 2 करोड़। मुसलमान आज बचे कितने, 135 करोड़ जनसंख्या है भारत की, कितने हो गए, 135 करोड़ प्लस 4 करोड़, 39 करोड़। सरकारी आंकड़ों में 25 करोड़ है, लेकिन ये तो हम जो आंकड़े लगा रहे हैं, अपना एनालिसिस कर रहे हैं, वहां तो ये 40 करोड़ हो गए। अब आप मुझे बताइए, मोदी जी को कितनी वोट मिली थी हिंदुओं की इलेक्शन जीतने के लिए, 37%।
37% पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इनको कितने दिन लगेंगे प्रधानमंत्री चुनने में? एनालिसिस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो आप, सरकार के आंकड़े और मीडिया के आंकड़े मत करो। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, क्योंकि कोई भी भारत क्या कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती इसको, क्योंकि जनसंख्या ही नहीं है। जिसकी जनसंख्या उसका नेता, नेता नेता किससे बनता है? नेता चुनाव जब होते हैं तो वोट ये नहीं देखता कि डॉक्टर है या इंजीनियर है या कौन है, वोट एक ही होती है, चाहे वो पंचर लगा रहा है, चाहे वो चिकन बना रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, वोट बैंक का कैलकुलेशन है। तो जी टोटल कैलकुलेशन है। तो प्रशासन को किससे सवाल करना चाहिए? प्रशासन को कानून बनाना चाहिए। कानून क्या बनाना चाहिए? कि भाई भारतवर्ष में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, सब एक शादी करेंगे और दो बच्चे पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि देश की डेवलपमेंट का, तरक्की के ऊपर सवाल है। प्रशासन को इनसे सवाल करना चाहिए ना, या इन भाइयों से सवाल करना चाहिए? इनके तो एक एक बच्चे हैं, ये तो नौकरी छोड़ के आ रहे हैं अपनी। टैक्स के पैसे कौन दे रहा है? ये टैक्स देते हैं, इनको तो सरकार सब्सिडी देती है। 20 बच्चे जिसके घर में होंगे वो कहां से टैक्स दे देगा सरकार को? सरकार का टैक्स कौन देता है? खांडसा गांव के बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कोई नौकरी करता है। डंडे कौन खाता है? खांडसा गांव के बच्चे। चौकी में कौन पढ़ा है? खांडसा गांव के बच्चे। और नमाज कौन पढ़ के गया? मुसलमान। और देश की दुर्गति कौन कर रहा है? मुसलमान। कैसे कर रहा है? खुद के खाने के पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, नहीं 20 बच्चे पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत देश पे कब्जा करना है। हमें स्पष्ट, हमारे साथ बात करनी है किसी को तो सिविलाइज तरीके से, सभ्य तरीके से साथ बैठ के बात करे। ये नहीं तलवार काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये इससे कोई बात नहीं होती। आप तर्कों पे बात करो, हम बैठे हैं तैयार हैं तर्कों पे बात करने के लिए, आप करो। वसीम रिजवी साहब है, आप मुझे एक बात बताइए, वसीम रिजवी साहब मुसलमान है ना? हम तो नहीं कहते बुरा है, हम तो सारे भाई खड़े हैं, हम तो वसीम रिजवी के साथ हैं। कुरान के अंदर से 26 आयतें हटा दो, वसीम रिजवी मुसलमान है खुद। उससे अच्छा वो तो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, उससे अच्छा इस्लाम का अध्ययन किसने किया होगा? आपने भी नहीं किया होगा, इन भाइयों ने भी नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया होगा, उन्होंने तो किताब लिखी है साहब। आप ही बताओ इस देश में आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।